हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे फिर से। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम लोग एलआईसी के टॉपिक्स लेके आते हैं, कोई प्लान का टॉपिक या फिर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई नई वीडियो बनाई नहीं थी, इसका मेन कारण यही था कि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। लेकिन मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलरली वीडियोज़ आगे लेके आऊँ। पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मुझे आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो पे। आज के वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जीवन लाभ 936। LIC का ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का ये प्लान है जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको इस प्लान के बारे में या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का आंसर आपको दूंगा, अगर मुझे उसकी जानकारी सही होगी तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्लान से, जीवन लाभ। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब अभी तक हमने जितने भी प्लान्स डिस्कस किए हैं, जो मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस बनाई है, उन सभी प्लान्स के पर्पज़ जो थे, वो पर्पज़ सबके अलग अलग थे। उद्देश्य, जो आपका प्लान लेने का उद्देश्य होता है, उसी तरीके से शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि जो जीवन लाभ प्लान है LIC का, उसका अगर वो प्लान आप अगर आपको लेना हो तो आपका क्या सही उद्देश्य होना चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। देखिए, जो जीवन लाभ प्लान है LIC का, वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्लान है LIC का। ये भी प्लान ऐसा है जो बहुत सारे लोग इस प्लान को ख़रीदते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ, जीवन लाभ प्लान की जो USP है वो है हाई रिटर्न। इस प्लान में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आपका उद्देश्य है कि मैं कुछ सालों तक पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, और मैं कुछ सालों के बाद जब मेरी मैच्योरिटी बने तो वो अच्छी खासी मैच्योरिटी मिले, मेरे को रिटर्न बढ़िया मिले, तो आप LIC के इस प्लान के लिए आप जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका ऐसा है कि मेरे को मैच्योरिटी के बाद इंश्योरेंस मेरा अवेलेबल रहे, तो आप उसके लिए जीवन आनंद प्लान ले सकते हैं, जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पर बनाया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्लान से। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस प्लान की जो एंट्री एज है, कि इस प्लान को कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, वो है 8 साल से लेके 59 साल तक। अगर 8 साल का कोई भी बच्चा है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए प्लान ले सकते हैं। और अगर 59 तक आपकी एज मैक्सिमम 59 तक है तो भी आप ये प्लान को अपने लाइफ में ले सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि इसकी जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज वो है 75। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 59 ईयर्स के हैं और आपने ये प्लान लेना है, तो इस प्लान को आप 16 साल के लिए ही ले सकते हैं, ताकि आपकी मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 75 बने। यहाँ तक ये चीज़ें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं बताता हूँ इस प्लान की टर्म क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, इस प्लान में 3 टर्म अवेलेबल है, 16-10, उसके बाद है 21-15, और उसके बाद है 25-16। देखिए, इस प्लान में 3 टर्म अवेलेबल है, 16-10, 21-15, 25-16। 16-10 का क्या मतलब है? 16-10 का मतलब है कि आप जो इंश्योरेंस लोगे इस प्लान के अंतर्गत, वो इंश्योरेंस आपका 16 साल तक वैलिड रहेगा। मान लीजिए आपकी एज है 30 ईयर्स, सपोज करके चलते हैं आपकी एज है 30 ईयर्स, आपने जीवन लाभ प्लान ले लिया और आपने टर्म चूज किए 16-10, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो 46 की एज तक चलेगा। लेकिन 10 का क्या मतलब है? 10 का मतलब है कि ये PPT इसमें 10 है, प्रीमियम पेइंग टर्म। आपको जो पैसे पे करने हैं LIC को, वो आपको 10 सालों तक ही पे करने हैं। अगले 6 सालों तक आपको कोई पैसा नहीं पे करना, अगले 6 सालों तक आप रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन मेच्योरिटी, जो आपके पैसे की मेच्योरिटी बनेगी, वो आप 16 साल के बाद ही ले सकते हो। मतलब 46 की एज में आपको मेच्योरिटी का पूरा पैसा मिल जाएगा LIC की तरफ से। और जो भी इंश्योरेंस इसमें आपको आपने लिया है, वो इंश्योरेंस भी आपकी 46 की एज तक वैलिड रहेगा। 46 के बाद आपका इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाएगा। और अगर बीच में भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, आप इस दुनिया में ना रहें, तो जो आपको इंश्योरेंस का पैसा है और साथ में जो भी बोनस मिलेगा, वो आपको बीच में मिल जाएगा और प्लान वहीं पे एंड हो जाएगा।
2115 में सेम चीज़ है कि आप 21 साल तक का इंश्योरेंस ले सकते हो, कि जैसे आप 30 साल के हो तो आप इंश्योरेंस लेते हो, आपके 51 की एज तक इंश्योरेंस वैलिड रहेगा और पैसे आपको पे करने हैं 15 साल तक। इसी तरीके से 2516 में आपको 25 साल तक आपका इंश्योरेंस चलेगा, मेच्योरिटी आपकी 55 की एज में मिलेगी और 16 साल तक आपको पैसे पे करना है। इसमें 9 साल का रिलैक्सेशन पीरियड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इसका एक एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मुझे कितने पैसे पे करने पे कितने पैसे मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ये जो एग्जांपल है ये 30 की एज के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको आपका जो प्रीमियम आएगा, वो प्रीमियम जो मैं ये प्रीमियम बताने जा रहा हूँ इससे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि एज के अनुसार प्रीमियम बढ़ता है। और अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आपका प्रीमियम की थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहले मैंने लिखा हुआ 2115, 2115 लिखने का सबसे मेन रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये प्लान बिकता है इसमें लोग टर्म चूज़ करते हैं 2115 की। 21 ईयर्स का प्लान लेते हैं, 15 ईयर्स तक आपको पेमेंट करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है आपका इंश्योरेंस, आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, आपकी 30 की एज है, टर्म चूज़ की आपने 2115, तो आपको कितने पैसे टोटल LIC को पे करने हैं। आपको टोटल 15 सालों में आपको पैसे पे करने हैं, 15 सालों में इतने पैसे आपको टोटल पे करने हैं, 4,13,586, जो मंथली अगर आप प्रीमियम मोड़ लेते हो तो आपको 2,393 रुपये मंथली आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी, आपके पैसे की जो मेच्योरिटी मिलेगी ये आपको मिलेगी 21 साल के बाद, 10,43,500 रुपये। आपने पे 4,13,000 किए, 13,000 किए हैं, और 10,43,000 के अराउंड आपको पैसा वापस मिलेगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो 2115 टर्म लेने पे आपको 21 साल में आपके पैसे का लगभग 2.5 गुना मेच्योरिटी मिल रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे बाकी मार्केट में प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं, बैंकों में अगर आप RD करवाते हो, जो आप मान लो आप मंथली मोड अगर लेते हो, तो RD का अगर हम एग्जांपल लेके चले तो आपका पैसा डबल होने में आज के रेट के हिसाब से 24 साल लग जाते हैं, और इसमें 21 सालों में आपका पैसा 2.5 गुना हो रहा है। साथ में आपको 5 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर मिल रहा है, 5 लाख का इसमें आपको टोटल एक्सीडेंटल भी मिलेगा, तो आपको टोटल 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस इसमें मिल रहा है। आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, यही आपको पे करना है। सिमिलरली अगर आप टर्म लेते हो 16-10, तो आपको 10 सालों में पेमेंट करनी है 4,30,085 रुपये की, जो आपका मंथली बनता है 3,730 रुपये, और आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी 16 साल के बाद वो मिलेगी 8,56,500 रुपये की। जैसे कि आप देख पा रहे हो लगभग डबल मेच्योरिटी मिल रही है आपको, जो बैंक में आपको 24 साल में मिलती है, यहाँ आपको 16 साल में डबल मेच्योरिटी मिल रही है। साथ में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इसमें भी 5+5 है। सिमिलरली अगर आप 2516 प्लान लेते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 3,74,683 रुपये, और आपको मेच्योरिटी मिलेगी 13.5 लाख रुपये की, और 2,031 रुपये आपका मंथली प्रीमियम इसमें आएगा। ये मंथली प्रीमियम ही आप 15 सालों तक, जब 16 सालों तक पे करते हो तो इतना बनता है। तो मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पे इजी करने के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको समझ आ जाए। और अगर इस प्लान में भी आप देख रहे हो तो आपको जो आपके पैसे का रिटर्न मिलेगा वो लगभग लगभग 3.5 गुना आपको रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे, 3.5 से 4 गुना रिटर्न, जो कि आपको 25 साल के बाद मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप ये प्लान, ये टर्म भी लेना चाहते हो, ये टर्म भी लेना चाहते हो, और या ये भी लेना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका जो इंश्योरेंस लेना है आपको, जैसे आपको 9 लाख रुपए का मान सपोज करके चलिए कि 9 लाख रुपए का आपको टोटल इंश्योरेंस लेना है, तो आप 3 लाख रुपये इस प्लान में, 3 इसमें, 3 इसमें, इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपये का है, कि मिनिमम जो आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जीवन लाभ में, वो 2 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने कोशिश करी है कि आपको जो LIC का जीवन लाभ प्लान है वो पूरे पूरा समझ आ जाए। और अगर अभी भी आपको कोई भी इसमें डाउट फील होता है, कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, तो आप मुझे क्लियरली वो चीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। साथ में जो भी आप इंश्योरेंस लेते हो उसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री में मिलता है, ये बताने की बात नहीं है, ये साथ में इंक्लूडेड होता ही है सबके LIC प्लान्स में, खासकर जीवन लाभ में तो होता है। जिसमें नहीं होगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो ये था आज की वीडियो में जीवन लाभ हमने डिस्कस किया, जो LIC का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, जिसमें आप अगर अच्छी रिटर्न चाहते हो तो आप ये प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हो। आप जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर मैं आपके लिए बहुत जल्द एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।